एनडीए सरकार में कद्दावर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह अब निर्दलीय हो गए हैं। उन्होंने अपने पैतृक स्थान यानी बाड़मेर से लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए कर्नल सोनाराम चौधरी पर भरोसा किया। नाराज जसवंत ने सोमवार को निर्दलीय हैसियत से लोकसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। यही नहीं, बाद में हुई एक रैली में जसवंत सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। उठाने वाले एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने मेरे साथ ये दूसरी बार दोष कर रहे हैं और उसके बाद ये सारी योजना रखी गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे। वैसे जसवंत सिंह के विधायक बेटे मानवेंद्र सिंह रैली में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चेताया है कि जसवंत के साथ दिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन समर्थक जसवंत सिंह को टिकट ना देने को राजस्थान का अपमान बता रहे थे। बहरहाल पार्टी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी उनके प्रति सम्मान रखती है और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही है कि केवल एक टिकट के आधार पर उनकी सम्मान और प्रतिष्ठा को नहीं आंका जा सकता और हम आज भी आश्वस्त हैं कि वो अंततः हमारे साथ रहेंगे। और उधर बिहार से चार बार सांसद रहे बीजेपी नेता लालमुनि चौबे ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने बक्सर से निर्दलीय उतरने का ऐलान किया है। मैं आज घोषणा कर दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। जिंदा है उनका कहे जिंदाबाद का नारा नहीं लगता, आडवाणी का नहीं लगता, जसवंत सिंह का नहीं लगता, लाखों कार्यकर्ता ये अपना नाम का चर्चा करवा रहे हैं सब। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता का दावा कर रही है, लेकिन टिकट को लेकर मची मारकाट ने फिलहाल नेतृत्व का सिरदर्द बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भवानी सिंह, बाड़मेर, IBN 7।